अभ्यास 3F का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में एक्स वाई जेड का मान निकालिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, तो 70 है, 72 और जेड अंश है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है एक्स वाई जेड का, तो इसमें हमारा जेड है, तो जेड का हम जब मान निकालेंगे तो देखिए हमारे त्रिभुज कैसा भी हो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो हमारा कोण ए और कोण बी और कोण सी तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो कोण ए कितना दिया है 70 अंश, प्लस कोण बी कितना दिया है 72 अंश, प्लस कोण सी कितना दिया है जेड अंश, बराबर 180। तो जेड बराबर हो जाएगा 180 और ये जुड़कर उधर जाएगा घट जाएगा 142, तो हमारा आ जाएगा 38 अंश। ये हमारा आंसर हो गया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इसमें तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो उसी प्रकार लिखेंगे कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों का योग कितना है 180। तो कोण ए कितना है हमारा 40 और कोण बी कितना है एक्स और कोण सी कितना है 45, बराबर 180। अब देखिए एक्स बराबर हो जाएगा 180, 40 और 45 कितना हो गया 85, तो हमारा एक्स का मान आ गया 95 अंश। अब इस वाई को जब निकालेंगे तो इस कोण को मोड़ लेंगे, तो हमारा कोण कौन है ए सी डी, तो लिखेंगे कोण ए, कोण सी और कोण डी तीनों का योग कितना 180 अंश। तो कोण ए कितना है 50 अंश, कोण सी कितना है वाई और कोण डी कितना है 80, बराबर 180। तो वाई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 50 और 130 उधर जाकर घट जाएगा, तो वाई का मान आ गया हमारा 50 अंश। ये हमारा आंसर हो गया, एक्स का मान यहाँ पर है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं, तो थर्ड में एक्स का मान ज्ञात करना है। तो हम इस त्रिभुज को मूंद लेंगे, इस त्रिभुज को, हमारा यहाँ पर ए बी सी डी नहीं दिया है, तो पहले ए त्रिभुज और ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180। एक्स 60 और 55 बराबर कितना 180, तो एक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 115, तो ये आ जाएगा हमारा 65 अंश। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर दो, चित्रानुसार एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको एक्स का मान ज्ञात करना है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180, त्रिभुज कैसा भी हो, तो कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों कोणों का योग कितना हमारा 180। तो कोण ए कितना है 3x अंश, कोण बी कितना है 60 अंश और कोण सी कितना है x अंश, बराबर 180। अब देखिए 3x और x कितना हो गया 4x और ये जो 60 है उधर जाकर घट जाएगा 180 माइनस 60, तो 4x बराबर आ गया 120 अंश। तो x बराबर कितना आ गया 120 बटे 4 यानी कितना 30 अंश। ये हमारा आंसर हो गया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, तो देखिए ध्यान रखिए ये 3x दिया है, 2x दिया है, तो सबसे पहले तो ये देखिए 115 है, तो ये कितना होगा, ये कितना होता है टोटल, कोई भी सीधी रेखा खींची हो तो ये कितने का होता है 180 का, तो अंदर वाला देखेंगे ये कितने का हो जाएगा, तो ये हमारा 65 अंश का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 65, क्योंकि 65 और 115 180 है टोटल, तो ये जो बाहर वाला है ये वाला, ये 115 है, ये वाला 65 अंश। फिर देखते हैं ये हमारा एक प्रकार से त्रिभुज है, ये एक प्रकार से हमारा त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, ए बी सी और डी। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी डी है, तो अब हम निकालेंगे कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर कितना 180 इस त्रिभुज में जब हम सवाल लगाएंगे। तो कोण ए कितना है हमारा 2x, कोण बी 3x, कोण सी 65 अंश, बराबर 180 अंश। तो 2 और 3 कितना हो गया 5x, बराबर हो जाएगा 180 माइनस, ये प्लस का है इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 5x बराबर हो जाएगा 115, कितना 115। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 115 बटे 5, 5 से भाग देंगे 5 दुनी 10 और 5 या 15 23 अंश आंसर हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, तो हमको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक्स 51 यहाँ पर हमको नहीं पता है, तो ये टोटल कितना होता है ध्यान रखना, ये वाला कितना होता है ये
अस्सी का होता है, कितने का होता है 180, तो ये बाहर वाला बहिष्कोण 107 है, तो अंतः कोण कितना हो जाएगा हमारा 73 अंश, कितना हो जाएगा 73 अंश, क्योंकि इस 73 अंश और 107 कितना हो गया टोटल 180। अब देखिए हम कोण लगाएंगे ए बी सी, यानी कोण ए कोण बी और कोण सी, तीनों का योग कितना 180। तो कोण ए कितना है हमारा 73 अंश, कोण बी कितना है 1 अंश और कोण सी कितना है 51 अंश, बराबर टोटल कितना हो गया 180 अंश। अब देखते हैं x बराबर हो जाएगा हमारा 180 अंश माइनस 73 51 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा हमारा 124, कितना आ जाएगा 124। अब 124 को जब हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 56 अंश, ये हमारा आंसर हो गया x का। अब इधर देखते क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज हम ये वाला पहला वाला ले लेते हैं, तो इसमें x का जब मान लिखेंगे, देखिए हमारा यहाँ पर ए बी सी डी नहीं दिया है, तो हम सबसे पहले ये त्रिभुज लेंगे, तो x 40 107 तीनों को मिलाकर कितना आना चाहिए 180, यानी x अंश 40 अंश प्लस 107 अंश बराबर कितना है 180। तो हम जब इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा x बराबर 180 माइनस 40 107 घटा देंगे उधर जाके 147 हो गया, 140 और 107 147, और जब 147 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 33 अंश, यानी x का मान कितना आ गया 33 अंश। फिर देखते हैं इसमें अभी y को हमको निकालना है, तो y देखिए ये वाला जो है ये वाली रेखा एक सरल रेखा है, और ये कोण कितना होना चाहिए टोटल 180 अंश, तो हम इससे लिख सकते हैं x प्लस 65 प्लस y, ये तीनों का योग कितना 180, तो x का मान आया है हमारा 33, ये हमारा 65 प्लस वाई बराबर 180, तो वाई बराबर हो जाएगा 180 माइनस, इसको इसको जोड़कर उधर जाके घटा देंगे तो हमारा ये है 98। तो अब हमारा कितना हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बचा 7, 17 में से 9 गया 8, 82 अंश, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 72 और कोण सी 64 अंश, तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए, तो कोण ए प्लस कोण बी, यानी त्रिभुज देख तीनों कोण हो गए, तो तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180, तो हम लिख देंगे ए बी सी 180, तो कोण ए हमको नहीं पता है, कोण ए निकालना है, कोण बी कितना है 72 अंश और कोण सी कितना है 64 अंश बराबर 180, तो कोण ए बराबर कितना हो गया 180 अंश माइनस, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 136 अंश। अब 136 अंश जब हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 44 अंश, ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोण ए का मान कितना आ गया हमारा 44 अंश। फिर देखते हैं यदि किस क्वेश्चन में 5, यदि किसी त्रिभुज के कोणों में अनुपात 3:4:5 हो तो कोणों को ज्ञात कीजिए, तो देखते हैं सबसे पहले हम मान लेते हैं कोण 1 बराबर 3x, कोण 2 बराबर 4x और कोण 3 बराबर 5x, तो देखते हैं तीनों कोणों का योग 1 यानी कोण 1 कोण 2 और कोण 3, पहला दूसरा तीसरा, तीनों कोणों का योग होना कितना चाहिए 180, तो कोण 1 कितना है 3x, कोण 2 कितना है 4x और कोण 3 कितना है 5x बराबर कितना 180, तो 3 और 4 7 5 12x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटे 12, तो इसको 12 से भाग देंगे, 12 एकम 12, इसमें बचा 6, 12 पंचे 60, x का मान 15 है, तो कोण 1 बराबर 3x दिया है, यानी 3 गुणे x, x का मान कितना है 15, तो ये आ गया हमारा 45 अंश, और ये 4 गुणे 15 तो आ जाएगा 60 अंश, और ये 5 गुणे 15 तो हमारा आ जाएगा 75 अंश, ये हमारे आंसर हो गए। अभ्यास 3F द एंड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये जो बेल आइकन का निशान है इसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।